पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजयविंद्र उल्ली की तरफ था। सारे भाई ना राम राम भाई, आज पहुंच गए गांव मारा जला सोनीपत में विकास भाई के पास। सेल के लिए पशु अवेलेबल है भाई, कई बार कमेंट में भी डिमांड रहा है भाई है कि थोड़े कम कीमत के पशु की भी वीडियो बनाओ, तो आज पहुंच गए भाई। बहुत ही एक अपना जायज जो प्राइज है वो भाई ने बताया है, वो उन्हीं के मुंह से सारी डिटेल लेंगे उनके पशु की। बार बार स्वागत करते हैं भाई पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर विकास मलिक भाई का। विकास भाई राम राम। राम राम भाई साहब, भाई दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम भाई सारे दर्शकों ने। अरे भाई मारा सब्सक्राइबर भी हर रोज वीडियो देखे उसके लिए भाई धन्यवाद मारी तरफ से भाई ने, और जितने भी दर्शक लगातार जुड़े रहे भाई सबका हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने कम टाइम में जो इतना अपना हमारे को मान सम्मान दिया, इतना सपोर्ट किया उसके लिए भाई मैं और जसबीर मलिक दोनों भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो भाई जी अपने पास में आज कितने पशु हैं और सेल के लिए अवेलेबल है या फिर वैसे वीडियो कवर करवा रहे हो ये बताओ। एक पशु है जी, वो एक या जो टड़ी है दूसरे व्यांत की, जो राजा बुल नहीं है हमारे गाँव का, वो आपने वीडियो कवर करी थी। अच्छा, राजा बुल की जो हमने वीडियो बनाई थी अपना भाई प्रो का जो स्टार है संदीप नाम है शायद, संदीप भाई की जो वीडियो बनाई थी राजा बुल से क्रॉसिंग करवाई आपने। हाँ, राजा बुल। तब भैया जो अपना सामने बैस है ये सेल के लिए अवेलेबल है, इसकी पूरी डिटेल ले लें अपना विकास भाई पे। विकास भाई इसके बारे में बताओ जी। भाई साहब यह 9 मई का इसका ब्यांत है और 17 जून की जो है ना अपने राजा बुल से, जो हमारे गाँव में राजा बुल है ना संदीप मलिक भाई के पास जो कबड्डी खिलाड़ी है अपना प्रो का जो खिलाड़ी है उस भाई के पास राजा बुल है भाई। वीडियो भी कवर करी थी हमने, हमारे चैनल पे दिख जाएगी आपको उस बुल की वीडियो, उसे डायरेक्ट क्रॉसिंग कर। हाँ, डायरेक्ट क्रॉसिंग हुई और है 17 जून को। 17 जून को राजा भाई आप पशु जब मेले वेले से अच्छी तरह से जेर से फ्रेश हो गए तो सीमन अगर मांग जा है तो उसका वो नहीं करना चाहिए, लेट कुछ कम है कि भैया मौका दे। 38 दिन की बोलगी थी भैया, 38 दिन की बोलगी थी। हाँ, क्रॉसिंग करवा दी थी, यानी कि भाई आप खुद भी हिसाब लगा लियो। हाँ। 9 मई ने या ब्याई थी, 17 जून ने क्रॉस करवा दी थी। हाँ। भाई साहब कितना दूध दे रही है यार? 11-12 लीटर दूध है भाई साहब फिलहाल। 11 है या 12 लीटर है भाई साहब? भाई 11 ठंडा दूध है, माने के चलो ठंडा दूध है, मतलब जो जाग मर के कुछ भाई जो जाग तरडा अगर वो कर दे है ना भाई। हाँ जी। वो काम अपने पास नहीं है, जो होगा साफ सच्चाई बात होगी। जो आधा घंटा दूध रख दे है वो दूध एक्चुअली माप वो ओहर राइट है, और जो जो 7-7 तरडागर डब्बे भर दे है ना भाई वो 1.5 किलो दूध बट जा है, जो भाई 7-7 दिखाओ है। अगर उसने ठंडा करके आप जब माप है तो कम आओगा। हाँ, तो वो 11 लीटर है भाई, 11 लीटर है ठंडा अपना। तो भाई साहब कौन सा ब्यांत है इसका? यो दूसरा ब्यांत है भाई साहब, इसका सींग थोड़ा हा खुल्ला है, यो इस वजह से ना तो छठे दांत ही इसने तोड़े हैं। 2 दांत में फर्स्ट टाइमर ने डिलीवरी दे दी थी इसने, 2 दांत ने इसने फर्स्ट टाइम अपने शुरू से घर पे है भाई। हाँ, 12-13 लीटर फर्स्ट टाइम में दिया था, इब की बार पीक लेवल 15 लीटर तक पहुंची थी। और काफ क्या है भाई जी के नीचे? इसके नीचे कटड़ा भाई मेल है, मेल काफ है भाई। और भाई बता रहे कि दूसरा ब्यांत है इसका भाई, हम का सींग का हिसाब भी देखे हैं तो थोड़ा बॉडी का तो लग रहा है दूसरे या तीसरे की चौथे की जो भी आप समझ सके, पर भाई कह रहे भाई या दूसरे ब्यांत की है। भाई साहब मुर्रा की इस वैरायटी में सींग का तो थोड़ा हा, इनका मान लिया कन्नीदार सींग यो बढ़ना स्वाभाविक है उधर। हाँ जी। और पूंछ भी इसकी देख सकते हो बिल्कुल 1.5 इंच। देखिए भाई, भाई ने पूरी जानकारी दे दी है, थनों का जो गैप है वो भी एक अपना ठीक है, जो जिस हिसाब की मिल्क प्रोडक्शन भाई ने बताई है भाई 11 लीटर दूध है तैयार, बिल्कुल ठंडा तैयार है 11 लीटर। और भाई दूसरा ब्यांत है, 9 महीने ब्याई थी, 17 जून ने प्रेग्नेंट थी राजा बुल से अपना जो मारा गांव का ही जो बुल है, और अब इसने फिलहाल
और मेल काफ है नीचे, तो भैया बात कर लेते हैं कीमत की। एक जायज जो कीमत है भाई लेने देने वाली भाई साहब के, इससे कम हम सेल नहीं करेंगे, जायज कीमत जो है भाई साहब वो ये बताइए। कीमत भी बताऊंगे भाई, सारी चीज बताऊंगे। कुछ भाई के कर कीमत बताते नहीं, फोन नंबर डालते हैं उसमें, फिर फोन पर कुछ हो किसी पर कुछ मांग ले भाई, एक सबके लिए एक जायज और सेम प्राइस होगा भाई। एक बात है भाई, एक बोला मौके पे कीमत करेंगे वो चीज नहीं, एक कीमत ही बता दें तो अपना वो बेटर है। वो ठगा बग्गी भाई, हम तो उसने ठगा बग्गी मानना है, सबकी अपनी समझ है, बाकी सबकी अपनी सोच। सबके सामने जो ओपन प्राइस हो है ना, अगर हम वीडियो कवर करवाओ है पशु की सारी क्वालिटी बताओ है तो भाई उसका मूल्य भी तो बताना चाहिए कि हम इतने में सेल करेंगे। हम उस चीज के बिल्कुल खिलाफ है भाई, जो मौके पे प्राइस होगा। तो भाई साहब इसकी कीमत बताओ। इसका एक फिक्स प्राइस है भाई 75,000 रुपए इसके देंगे हैं। 75,000 रुपए कीमत बताइए भाई ने अपना, एक कीमत जो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, 500-400 आदमी ले कसम नहीं खा रखी भाई। भाई पर 75,000 में कोई भी भाई अगर खरीदना चाहता है तो आप सीधा अपना भाई से विकास मलिक भाई से संपर्क कर सको भाई साहब एक बार फोन नंबर जरूर बताओ 9178 31 3 48 9178 31 3 48 ये अपना भाई का फोन नंबर है। और भाई ये जो दो नहर है, पश्चिमी यमुना लिंक नहर जो है इनके बराबर में गाँव पड़ा है अपना भाई, ये नहर के ऊपर 1 किलोमीटर जिला सोनीपत में है, तो भाई इस गांव में है। और 75,000 रुपए कीमत। दूसरा ब्याज अजय भाई, यो कंफर्म प्रेग्नेंट का प्राइस है, यो बिल्कुल 100% इस चीज ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी लो। हाँ पूरी जिम्मेदारी भाई, यो मेरा गांव है, यो मेरा घर है, यो नाम है भाई। भैंस जो भाई ले जाएगा उसके घर पर अगर भैंस रहोगी, अगर भैंस खाली पाओगी तो इसमें भाई अगले ने भी अपनी ईमानदारी पर रहना पड़ेगा, हम भी अपनी ईमानदारी पर रहेंगे भाई। 10,000 रुपए कति वापसी हो जाएगी जो भैंस खाली पाएगी। तो भाई ने यह चीज भी दावा ठोक दिया है कि भाई श्योर हूं मैं प्रेग्नेंट है, 17 जून ने करवाई थी राजा बुल से। अगर प्रेग्नेंट नहीं पाव है कोई भी भाई लेकर जा है खाली लकड़ा, तो भाई उसकी जिम्मेदारी लें 10,000 रुपये वापसी हो जाएंगे भाई। अड़े हूं भाई, यो मेरा गांव, यो मेरा घर, मैं कितने नंबर भी दे दिया भाई कि हमने वीडियो बना दी, घर पे ही वीडियो कवर कर रहे हैं भाई के, कोई ऐसी बात नहीं है। 10,000 रुपये वापसी करेंगे भाई, ऐसे ऐसे ईमानदार अपना पशुपालक होंगे, पशुपालन आगे बढ़ेगा। हम ठग लेंगे वो हमने के वो हमारे में लकड़ जा की थे। देखिए भाई ने एक ईमानदारी वाली जो जितनी भी डिटेल है जानकारी सभी दे दी है। जो भी भाई पशु खरीदना चाहता है घर के लिए, अपना 10-12 लीटर दूध की जो आप भैंस खरीदना चाह रहे हो तो सीधा संपर्क करें भाई से, तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पशु आपको दिखाते रहेंगे लगातार। तब भाई पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो ने शेयर करें, कमेंट में ज़रूर अपनी राय देते रहें आप। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की, राम राम भाई सभी को। आप भी कर दो राम राम भाई। राम राम भाई सारे दर्शकों ने।